नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बिहार बोर्ड ने क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का सेंटअप एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के महीने में ले रही है और उसका टाइम टेबल रूटीन सब कुछ जारी ही कर दिया है। इलेवंथ का जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा वो 11 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और जो 11 अक्टूबर का सेंटअप एग्ज़ाम इलेवंथ का होगा उसके लिए जो बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र बना रही है, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो बना रही है, वो मतलब कि 25 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच आपके सभी जिलों में पहुँचा दिया जाएगा और उसके तहत आप लोगों का इस बार एग्ज़ाम होगा। और जिस तहत सेंटअप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे उसी पैटर्न के आधार पर आपको फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। और टेंथ की बात करें तो टेंथ का जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा वो 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसका भी टाइम टेबल रूटीन निकल गया है, आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो 15 नवंबर से सेंटअप एग्ज़ाम टेंथ का होगा उसके लिए मतलब कि 30 और 5 मतलब कि नवंबर के बीच आप सभी को मतलब कि प्रश्न पत्र सभी जिलों में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आगे की जानकारी के लिए हमारे गूगल में आना और सर्च करना mgbresult.com, यहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। टाइम टेबल इलेवंथ का भी मिलेगा, ट्वेल्थ का भी मिलेगा कि कौन सा दिन कौन सा विषय है और कितने समय दिया जाएगा, क्या क्या रहेगा, कौन सा पैटर्न रहेगा, किस क्या इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या फिर 60 पूछेगा या फिर 50 पूछेगा, तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो mgbresult.com आप लोग गूगल में सर्च करना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने डायरेक्ट लिंक दे दी है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग साइंस का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी बता दिया गया, लेकिन आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हो, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो आगे की जानकारी के लिए और आउट क्वेश्चन पेपर लेने के लिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि बिहार बोर्ड की परीक्षा, बिहार बोर्ड मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 15 नवंबर से और इंटर की परीक्षा 11 अक्टूबर से शुरू होगी। अब यहाँ पर खुद आपको न्यूज़ के द्वारा यानी कि अखबार के द्वारा बताया गया कि इंटर की जो 11 अक्टूबर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 15 नवंबर से होगी, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आप दोस्तों अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई आधार नहीं और किस आधार पर इस पर एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको जानकारी बता दिया गया, तो आप लोग केवल एक क्लिक करिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन जो आपको लिंक मिलेगा ना उस पर मात्र आपको एक क्लिक करना है और सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। एक एक जानकारी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मतलब कि परेशानियों से हट जाए, ठीक है। और एक और बात है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड की तरफ से पल पल की खबरें आपको सबसे पहले पहुँचाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आपको सेंटअप एग्जाम में एडमिट कार्ड भी मिलेगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको पल पल की खबरें देते रहूँगा, ठीक है।